वेलकम वंस अगेन इन योर क्लास बच्चों। जैसा कि हम अपने सेकंड चैप्टर को समझ रहे थे, तो इसमें हमने पेज नंबर 5 अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने मास्टर और पेट की डेली रूटीन लाइफ के बारे में जाना था। अब हम पढ़ेंगे कि मास्टर कैसे अपने पेट को ट्रेन करता है और पेट कैसे अपने जो है मास्टर की हेल्प करता है और शैतानी भी करता है। तो वन डे मिस्टर जॉन्स वाज नॉट फीलिंग वेल। जो मिस्टर जॉन्स हैं वो अपने फीलिंग वेल मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। ही हैड टू स्टे होम इन बेड और उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। ही कुड नॉट गेट हिज न्यूज़पेपर और इस कारण जो है उनको न्यूज़पेपर नहीं मिला। इट मेड हिम सैड जिससे वो दुखी हो गए। ही डिसाइडेड टू टीच हिज डॉग तो उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने डॉग को जो है टू गेट द न्यूज़पेपर कि वो अपने डॉग को उनके लिए न्यूज़पेपर लाना सिखाएंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही टोल्ड द न्यूज़ एजेंट और उन्होंने न्यूज़ एजेंट को इस बारे में आल्सो अबाउट इट इस बारे में बताया। ये एवरी मॉर्निंग तो जब बताया तो फिर एवरी मॉर्निंग हर सुबह मिस्टर जॉन सेंड हिज डॉग अपने जो डॉग है उसको बाहर भेज देते और उसे टू रुपीज कॉइन देते। कैसे देते, द डॉग वुड गो रनिंग विद द 2 रुपीज कॉइन और जो है डॉग है वो 2 रुपीज कॉइन के साथ जाता। कैसे, इन हिज माउथ उसके माउथ में रख देते। वो तो वो जो है डॉग है अपने मुंह में 2 रुपीज कॉइन लेकर जो है न्यूज एजेंट है उसके पास जाता एंड कम बैक विद द न्यूज़पेपर और जो है वो न्यूज़पेपर लेके वापस आ जाता। देन द ओल्ड मैन जो उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो गो टू द कॉफ़ी हाउस उसके बाद में वो कॉफ़ी हाउस जाते और वहाँ पर वो हिज कॉफ़ी एंड फ्रूट केक अपना कॉफ़ी और फ्रूट केक खाते। द डॉग वुड ऑल्सो गेट हिज शेयर ऑफ द केक और जो डॉग था उसको भी उसका शेयर यानी कि उसका हिस्सा दे देते। तो वन कोल्ड विंटर एक जो बहुत सर्दी के जो दिन थे मिस्टर जॉन्स फेल इल जो मिस्टर जॉन्स थे वो बीमार पड़ गए। ही हैड फ्लू, फ्लू होता है एक तरह का फीवर, जो फीवर हो गया उन्हें। ही हैड टू स्टे होम इन बेड और उन्हें बेड पर ही रहना पड़ा। तो क्या हुआ, हाउएवर इसके बाद क्या हुआ, ही गॉट हिज न्यूज़पेपर फिर भी वो जो है उनका जो उन्हें न्यूज़पेपर है वो तो रेगुलरली नियमित रूप से मिल जाता था, रोज इसे उन्हें वो ले लेते थे। एवरी मॉर्निंग ही वुड पुट अ 2 रुपीज कॉइन इनटू द डॉग्स माउथ तो हर सुबह वो टू जो कॉइन था जो 2 रुपीज कॉइन थे उसके मुंह में डाल देते एंड देन द डॉग वुड डैश आउट और बहुत खुशी से जाता एंड कम बैक विद द न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के साथ वापस आ जाता। तो बच्चों इस जो पैराग्राफ में मैंने जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन किया है उन लाइनों को उन वर्डों को आपको हार्ड वर्ड के जैसे आपको हार्ड वर्ड के रूप में अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करना है और दैट इज़ योर होमवर्क। तो आपको चैप्टर के हार्ड वर्ड जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और नेक्स्ट जो है उसके लिए चैप्टर के लिए वी हैव टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। So, goodbye.